हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्स लर्नर में। दोस्तों आज से परसेंटेज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ये पूरी तरह से बेसिक से और सिलेबस वाइज होगी, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगी। आपका उत्पाद सिपाही और सचिवालय के लिए इम्पोर्टेंट है और झारखंड में जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज परसेंटेज क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज जानना है, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत क्या होता है परसेंटेज। कभी भी आप सुने होंगे मैट्रिकुलेशन का एग्जाम कोई देता है बंदा, कोई इंटर का एग्जाम देता है, या स्कूल सब में भी आपका मार्क्स जो आता है परसेंटेज में ही काउंट होता है कि कितना परसेंट आया है ना, फाइनल एग्जाम में कितना परसेंट आया, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो रैंक तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो आज उसी को पढ़ना है जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में आप पढ़े हैं, उसको आज कंपटीशन सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप पढ़ने जा रहे हो। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि परसेंटेज में क्या होता है। 100 परसेंटेज मीन्स 100। कभी भी अगर परसेंटेज आपका दिमाग में भी आता है ना, तो समझिए कि वो 100 से कंसीडर किया जाएगा। परसेंटेज मीन्स हंड्रेड है ना। कभी भी परसेंटेज की बात हो तो 100 दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लेते हैं एक टोकरी है, टोकरी में 100 मैंगो है, मैंगोज, ठीक है, 100 आम है। ठीक है, तो यहां से हम एक आम बाहर निकाल दिए। एक आम अगर हम बाहर निकाल दिए तो समझिए कितना परसेंट आम बाहर यहां से निकाले, तो 100 दिया। अब यहां पर 99 बच गया, कितना बचा? 99 बच गया। और तो एक आम जब हम निकाल लिए ना, तो समझिए 1% आम यहां से निकाल लिए। ठीक है, अगर हम 2 आम यहां से निकाले तो समझिए 2% निकाल लिए। ठीक है, अगर यहां से 3 आम निकाले तो समझिए 3% आम हम निकाल लिए वहां से। और रिस्पेक्ट में किसका होगा? 100 के रिस्पेक्ट में होगा। मीन्स अगर हम एक आम निकाले हैं उसका रिस्पेक्ट में क्या होगा? 100 मीन्स 1%। ठीक है, 1% क्या हो रहा है? 1%। तो फिर से हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी भी परसेंटेज अगर दिमाग में आता है तो सबसे पहले 100 कंसीडर किया जाता है। क्या? 100। तो परसेंटेज, जब एक टोकरी में मेरा 100 आम है, क्या है? 100 आम है। तो उससे अगर एक आम वहां से बाहर निकाल दिए तो समझिए कितना आम वहां से निकला बाहर, कितना परसेंटेज आम? 1% आम बाहर निकल गया है। ठीक है, तो कभी भी परसेंटेज को दिमाग में लाना है तो 100 हमेशा याद रखना पड़ेगा। 100 उसका बेसिक नेचर है, परसेंटेज उसका बेसिक चीज 100 होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज होते हैं। ठीक है, कि कभी भी अगर कोई नंबर दे दिया है तो उसको परसेंटेज में किस तरह चेंज करते हैं, या कोई परसेंटेज में दिया हुआ है उसको नंबर में किस तरह चेंज करते हैं, ये बहुत बेसिक सवाल है जो स्टूडेंट को काफी परेशान करते हैं। तो इसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास 25% मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम किसमें चेंज करना चाहते हैं? इसको नंबर में चेंज करना चाहते हैं। किसमें? नंबर में चेंज करना चाहते हैं। तो ये परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, जो भी परसेंटेज का साइन दिया हुआ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, जो भी परसेंटेज का साइन दिया हुआ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए
कभी भी परसेंटेज का साइन को अगर रिमूव करना रहता है तो करते क्या है, ठीक है। तो देखिए कभी भी ये मेरा साइन दिया हुआ है, तो जब ये साइन दिया हुआ रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। जब भी कोई भी नंबर में परसेंटेज का साइन दिया हुआ रहता है तो हम उसको लिखते हैं 25/100। अगर 30% है, 30% है, ठीक है, तो इसको अगर हम तो इस तरह लिख सकते हैं 30/100, क्या लिख सकते हैं 30/100, ठीक है, 30/100। अगर 40 दिया हुआ है, 40%, तो इसको हम लिख सकते हैं 40/100, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ये नंबर में चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है, किस तरह नंबर में चेंज हो जाएगा उसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, 25% है, ये 30% है, ये 40% है, तो इसको नंबर में किस तरह चेंज करेंगे वो देखना है सबसे पहले। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई नंबर परसेंटेज में है और उसको नंबर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई नंबर परसेंटेज में हो तो, परसेंटेज में हो तो उसे एनो मींस नंबर, नंबर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक चीज है, ये याद आप रखोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25/100 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा दोनों कट जाएगा, 100-100 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अब आ गया 25 नंबर, सिर्फ 25 आया, ठीक है, कितना आया 25, और पहले क्या था हमारा 25%। तो परसेंट साइन को रिमूव इस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो नंबर का फॉर्म में आ जाता है। तो उसी तरह से 30% है, तो 30 को कितने का 30/100 लिखते हैं, परसेंटेज का अगर लिखना है तो 30/100 लिखते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये खत्म, तो ये 30 आ गया मेरा, ये नंबर हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद 40% दिया हुआ है, तो 40/100, 40/100 परसेंटेज को इसी तरह से लिखते हैं 40/100, ठीक है। तो इसको हमको नंबर में चेंज करना है, तो करेंगे क्या, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, ये कट गया और ये 40 नंबर आ गया, 40 आ गया, क्या हो गया 40, मींस ये परसेंटेज रिमूव करके नंबर किस तरह से लाते हैं वो हम सीख गए। बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश किया है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं जो काफी बेनिफिशियल है। तो इसमें मैंने बताया कि परसेंटेज किस तरह से रिमूव करते हैं, तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि नंबर से परसेंटेज में किस तरह लाते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज साइन में किस तरह लाते हैं, जो काफी बेसिक चीज है। अगर परसेंटेज जानना है तो सबसे पहले आपको यही जानना पड़ेगा, है ना, तो किस तरह से परसेंटेज साइन वापस लाते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो हमें सीखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर करेंगे। देखिए ये 25 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 25 नंबर यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर 30 नंबर दे दिया है। अब इसको हमको चेंज करना है परसेंटेज में, किस तरह से परसेंटेज में चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कभी भी कोई नंबर हो तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से
डिवाइड करते हैं। ठीक है, कभी भी कोई नंबर दिया हुआ है अगर उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये 25 नंबर दिया हुआ है तो 25 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 100 से डिवाइड कर दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25%, ये हट जाएगा। मैंने बताया है कि परसेंटेज का साइन होता है 100, 1/100, ठीक है, तो जब ये परसेंटेज का साइन अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 100 ऑटोमेटिक खत्म, मीन्स इस 100 का रिप्लेस ये परसेंटेज कर देता है, क्या करता है वो, ये 100 को परसेंटेज रिप्लेस कर जाता है, मीन्स ये 25% हो गया। अब इसी तरह से 30 है तो 30 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 30% हमारा बन जाएगा, ये 1/100 रिमूव। तो ये बेसिक चीज है कि किस तरह से नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं और परसेंटेज को नंबर में चेंज करते हैं, ये बहुत ही बेसिक मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं जो परसेंटेज में होते हैं, ठीक है, तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, काहे कि क्वेश्चन सोल्व करने में वो उस चीज का काफी यूजेस है, ठीक है। अब कभी भी परसेंटेज अगर आप बनाइएगा तो उसके बिना आपका परसेंटेज कभी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़े आसान भी होता है, ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा अगर आप कुछ फैक्ट्स याद कर लोगे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए सबसे पहले कुछ फैक्ट, ठीक है, जैसे 1/2 है तो 1/2 को परसेंटेज में लिखना है तो हमको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको याद रखना है, क्या करना है याद रखना है, 1/2 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50%, कभी भी 1/2 रहा तो वो 50% हो जाएगा, क्या होगा 50% हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा 33/1/3% ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/4 है तो क्या हो जाएगा ये 25% हो जाता है, ठीक है। अगर ये 1/5 है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगर 1/6 है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16/3 ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर 1/7 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अगर 1/7 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा, क्योंकि ये एज इज एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 1/8 है तो ये क्या हो जाएगा 12.5% ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/9 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11/1 ये हो जाएगा। अगर 1/10 दिया हुआ है तो ये 10% हो जाएगा। अगर 1/11 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/1/11% हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है तो 66/2/3% ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ बेसिक चीज था उसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें थी वो काफी इम्पोर्टेंट है जिसके आपको जानना चाहिए, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है, कभी भी एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट अब आंसर इसको दे दोगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और जो क्वेश्चन है इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो परसेंटेज में दिए हुए हैं वो नंबर में ऑटोमेटिक किस तरह से आ जाते हैं, वो भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं,
ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सिक्स अपॉन वन बाई इसको किस तरह से हम काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये वन बाय सिक्सटीन ये हो जाएगा। आपको ये सब याद रखना है बहुत ही इजी वे में, इस सब का काफी यूजेस है, ठीक है। उसके बाद अगर एट अपॉन वन बाय थ्री है तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे वन बाय ट्वेल्व, क्या लिखेंगे वन बाय ट्वेल्व लिखेंगे। अगर 15% है, अगर 15% दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे 3/20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/20। अगर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 35% दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे 7/20, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा 40% दिया हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे 2/5, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा 45% दिया हुआ है जिसको हम क्या लिखेंगे 9/20। अगर यहाँ पर 55% दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11/20। अगर 65% दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 13/20। अगर 75 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4, ठीक है। अगर 85% दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 17/20। अगर 80% दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 90% दिया हुआ है तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर 120 दिया हुआ है तो ये 6/5 हो जाएगा। काफी इम्पोर्टेंट, आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और ये फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्पाद सिपाही में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दरोगा में पूछा जाएगा, सचिवालय के लिए भी, सचिवालय में कुछ थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक चीज है। अगर ये जानोगे तो आपका परसेंटेज से जो क्वेश्चन बनेगा, जो मैं कराने की कोशिश करूंगा, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, काफी इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत मेहनत किया है इसको बताने में। तो आप इसे याद कीजिए और इसको, इस वीडियो को आप देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे पहले जो मैंने एरेज किया वो भी आप देख लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको पसंद लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज तो मेरी परसेंटेज की पहली क्लास थी, मैं फिर से कल बेसिक, थोड़ा बेसिक बताऊंगा, कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। मैं परसेंटेज से 50 क्वेश्चन कराऊंगा, कितना 50 क्वेश्चन, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर तो मैं डाल ही रहा हूँ, साथ साथ ये भी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।